श्री विकास पटेल जी के आईएएस। सर, वी आर ऑनर्ड विद योर ऑस्पिशियस प्रेजेंस। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू दिस यंग बडिंग फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। द अदर रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज हु आर प्रेजेंट हियर, श्री अजय मजीद जी तहसीलदार सिंह हवेली, डॉक्टर नुसरत भट्टी जी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ, सरदार जगबीर सिंह जी रिटायर्ड प्रिंसिपल एंड प्रेसिडेंट ऑफ प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट, श्री विकास पटेल जी के आईएएस। सर, वी आर ऑनर्ड विद योर ऑस्पिशियस प्रेजेंस। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू दिस यंग बडिंग फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। द अदर रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज हु आर प्रेजेंट हियर, श्री अजय मजीद जी तहसीलदार सिंह हवेली, डॉक्टर नुसरत भट्टी जी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ, सरदार जगबीर सिंह जी रिटायर्ड प्रिंसिपल एंड प्रेसिडेंट ऑफ प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट। वो आसमां है मगर सर झुका के चलते हैं। हम सबको बुलाना चाहते थे लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से हम अपने प्रोग्राम को इस वक्त किसी साहब की नजर कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत है। मेरे साथ यहाँ पे आए हुए मेडिकल सुपरिंटेंडेंट सिलदार साहब, राजेंद्र जी, बजमी साहब, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आई हमारी बच्चियाँ जो है, आज इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड है। इससे पहले भी एक प्रोग्राम हमने किया और मैंने वहाँ पे कॉलेज की बच्चियों का प्रोग्राम को अटेंड किया, तो वहाँ देखा कि वहाँ पे मैंने इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ जो हमारी फीमेल आज की बच्चियाँ हैं उनकी वो देखी, और अभी जो मैंने फिजिकल स्ट्रेंथ है उसका मुजाहरा आपकी यहाँ पुंछ के बच्चियों ने अपना दिखाया। और देखने में तो ये आपको लगेगा कि ताइक्वांडो एक डिसिप्लिन एक स्पोर्ट है जो जिसमें पार्टिसिपेट बच्चियां कर रही हैं, ये क्या बात है, लेकिन इसके मायने बहुत ज्यादा है। जब एक बच्ची रोज सुबह उठती है और डिसाइड करती है कि अपनी पढ़ाई अपने नॉर्मल काम के अलावा भी उसमें एक चीज के अंदर महारत हासिल करनी है, चाहे वो ताइक्वांडो हो, चाहे वो कराटे हो, चाहे वो फुटबॉल हो, वो उसके जहन उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको दर्शाता है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को निखारना चाहती है स्पोर्ट्स के माध्यम से। कोई भी जरिया आप चुन सकते हैं, एक एडिशनल जो अपनी एक हैबिट डेली ऐड करते हैं, तो उन्होंने ये ताइक्वांडो चुना। और ताइक्वांडो ऐसा डिसिप्लिन है जो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, पेशेंस, एंड्योरेंस, इन सब चीज़ों का बढ़ाता है। और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे कोच आपको मिले हैं। कल ही अपना इंट्रोडक्शन, जब ये मेरे को इन्विटेशन देने आए थे तो मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, और ये खुद काफ़ी डेकोरेटेड कोच हैं, इन्होंने जब खुद खेला तो काफ़ी मेडल्स जीते। इतने एक्सपीरियंस्ड और इतने अच्छे कोच आपको मिले हैं, और आपको यहाँ पे पुंछ में ही ये फैसिलिटी उन्होंने अवेल कराई है, ये आपके लिए बहुत ही जो एक मैं कहूँगा एक फॉर्चुनेट बात है। आपको इस चीज़ का पूरा फायदा उठाना चाहिए और अपने जो ताइक्वांडो के स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए। ताइक्वांडो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन आपको एक एडिशनल एज देगा जो डिसिप्लिन का एज है। और इस एज के जो बच्चे हैं, अगर उनको डिसिप्लिन में रहना अगर वो सीख लेते हैं तो उनकी जो सक्सेस के चांसेस हैं वो डबल हो जाते हैं। और इसलिए मैं आप लोगों को ये
रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो कुछ लोगों ने सिर्फ शौक के नजरिए से इसको ज्वाइन किया एक दो महीने के लिए, आप इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि इसके इफेक्ट्स जो है आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जो है बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। अंत में मैं प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, और स्पेशली आज हमने ये दिन चुनाया है जो इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड है, इसका हमने कोइंसाइड किया इस प्रोग्राम को, इसके साथ दोनों को इकट्ठे हमने इसको होल्ड किया है, तो ये दोनों इवेंट्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको दर्शाता है। थैंक यू, जय हिंद।